श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल इफेक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे सती अनुसुईया के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। सती अनुसुईया के संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। अनुसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में बहुत ऊँचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को आपस में विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें महामुनि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। नारद जी बोले, समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगीं कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उसकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। तीनों देव साधु के वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं कि इससे तो उनके पतिव्रत धर्म के खंडित होने का संकट है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। माता अनुसुईया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो ये तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। माता ने यह कहकर उन पर जल छिड़क दिया और तीनों देव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया, उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियाँ व्याकुल हो गईं। तब नारद जी ने वहां आकर पूरी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट पहुंच गईं। देवियों ने अनुसुईया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पहले जैसा रूप लौटा दिया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। अनुसुईया जी बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, मुझे यही वरदान चाहिए। इसी के अनुसार कालांतर में दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा ऋषि दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म अनुसुईया के गर्भ से हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।